ए सिस्टर इन्हों का नाम अमरजीत कौर और मेहते के रहने वाले आ अपने जीवन की गवाही के दसते हैं कि इन्हों 12 साल तो टाइफाइड की जो इनफेक्शन से वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती सी और सिस्टर दसते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाधी बहुत जगह डॉक्टर के कोल गए इन्होंने बटाले तो और अमृतसर तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाधी 12 साल के पर इन्हों कितों भी फर्क नहीं पाया इन्हों जो बुखार उतरदा नहीं सी और सिस्टर दसते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान अपनी जिंदगी दे विच रहिंदे सी और अज इस अद्भुत अगवाई के नाल खड़े ने कि जदों इस भवन के आना शुरू किया और प्रभु के दास द्वारा इन्हें उपर ले हैंड प्रार्थना हुई और जो इन्ने टाइम तो मेडिसिन लै रहे सी और जो काम नहीं सी करती ये फ्री नहीं सी हो रहे जो बुखार वाला आत्मा सी इन्हें छड के जा नहीं सी रहा और अज ये सिस्टर इस अद्भुत अगवाई के नाल खड़े ने कि अज बिल्कुल फ्री ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम के इस अगवाई लई प्रभु जी के दास का और परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और असी जो इन्हों की अगवाई है इन्हों के मूँह के जरूर सुनांगे। हालेलुया हालेलुया जय मसीह दी। मैं ना टाइफाइड बुखार चढ़ते 12 साल हो चले मैं बुखार चढ़ते तो मैं बहुत दवाइयाँ खाधिया बटालों अमृतसरों हम होर तिकर मैं दवाई खा ली पर मैनू रुमान नहीं आया। हूँ मैं इतने आई सा तो मैं इतों इस भवन चो मैनू रुमान आ गया मैं हूँ बहुत वधिया ठीक रही हूँ मैं कोई बुखार नहीं गा। हूँ धन्यवाद कर दी हाँ धन्यवाद कर दी प्रभु का। हालेलुया। ए सिस्टर इन्हों का नाम हरजिंदर कौर और ये दिल्ली के रहने वाले आ अपने जीवन की गवाही के दसते हैं कि 2016 के इन्हों की सिस्टर ने इन्हों प्रभु जी की सच्चाई बारे दसिया पर इन्होंने उस टाइम पर प्रभु के वचन तुच्छ जाणिया उस सच्चाई को एक्सैप्ट नहीं किया और सिस्टर दसते हैं कि ए सिस्टर के घर के बहुत ज़्यादा डिप्रैशन रहिंदा सी बहुत ज़्यादा परेशान रहिंदे सी और कोई भी हल नहीं सी इन्हों की कोई भी परेशानी का और इस क्योंकि इन्होंने प्रभु की जो सच्चाई से उन्होंने इनकार कर दिता सी और सिस्टर गवाई के दसते हैं कि 2019 के अपनी सिस्टर के कोल इस जगह पर आए और सिस्टर दसते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहिंदे सी इन्हां दी फैमिली जड़ी और इन्हां दा जिहड़ा बेटा सी इकलौता बेटा सी सिर्फ और इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया जो इस जगह पर पहुँचे पंजाब दे विच पहुँचे और ये दसते हैं कि इन्हां दे पिछों इन्हां दे बेटे ने सुसाइड कर लिया और इन्हां दा इकलौता ही बेटा सी। इस सिस्टर उस वजह के कारण बहुत परेशान रहन लग पे ये वापस दिल्ली गए और इन्हां ने उस उन्हां दी डैड बॉडी नू देखिया और डैड बॉडी देखने तो बाद ए सिस्टर डिप्रैशन दे विच चल गए हमेशा डिप्रैशन दे विच रहिंदे सी ए बिल्कुल भी हासदे नहीं सी किसी नाल ज़्यादा गल करना पसंद नहीं सी करदे और ए सिस्टर अपनी गवाही दे विच दसदे ने फिर इन्हां दी सिस्टर ने इन्हां नू कॉल कीती और दसिया प्रभु की सच्चाई बारे दसिया और ए सिस्टर दसदे ने इन्हां ने फिर प्रभु की सच्चाई नू ग्रहण किया और जदों ग्रहण किया और ए सिस्टर ने इस मिनिस्ट्री रही है मिनिस्ट्री का लिंक इन्हां नू शेयर किया और शेयर करन तो बाद ए लगातार इस मीटिंग नू रिसीव करते सी और ये रिसीव करने तो बाद सिस्टर दासे ने अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू किया और सिस्टर दासे ने फिर इन्हां दे इस भवन के जो दास ने पास्टर जगजीत सिंह जी के द्वारा फोन के उपर कॉल की और कॉल के द्वारा इनके उपर प्रार्थना की गई और इन्हों बोलिया गया कि तुसी जगजीत पास्टर सिंह मिनिस्ट्री के एक बार जरूर रहो और जो तुहाड़ी परेशानी है वह प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा और सिस्टर दासे ने कि इन्होंने इस भवन के जो आए और इस जगह पर आए जो दुष्ट आत्मा इन्हें अटैक करता सी डिप्रैशन वाला और पास्टर जी के द्वारा इन्हों के उपर ले हैंड प्रार्थना की गई और प्रार्थना तो बाद इन्हों के उपर दुष्ट आत्मा ने जो अटैक फिर तो किया और इन्हों जो फिर पास्टर जी ने प्रार्थना करके उस चीज़ को डांटिया कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम के जाओ और सिस्टर दसते ने जो डिप्रैशन वाला आत्मा अज बिल्कुल फ्री ने उस जगह तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम च इस गवाही प्रभु जी के दास का और परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और जो अद्भुत काम इन्हों की जिंदगी दे परमेश्वर ने किया वो इन्हों की सिस्टर के कोल असी जरूर सुनांगे। हालेलुया सारे नूं जय मसीह दी। मेरी गवाही है कि मेरे सिस्टर जो दिल्ली के रहने वाले ने वह दुष्ट आत्मा तो बड़ी देर तो जकड़े हुए सी 2016 की गल है उन्होंने मैं परमेश्वर बारे दसिया उन्होंने इस गल ते विश्वास नहीं किया उस वेले परमेश्वर नूं स्वीकार नहीं किया फिर उन्होंने 2019 दे विच फिर उही हालात आया तो उन्होंने मैनूं फोन किया कि मैं बड़ी परेशान हाँ मैं उन्होंने पंजाब बुलाया वो इस जगह पर आए मेरी सिस्टर जो बाबा बकाला दे रहने वाले ने उस जगह पर उन्होंने कोल गए उन्होंने लैके इधर उधर घूमते रहे उस दे दौरान ही इन्होंने बेटे ने पिछों इन्होंने सुसाइड कर लिया तो फिर उस तरह ही वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके जो इन्होंने अपने बेटे की डेड बॉडी देखी है परेशान रहन लग गए फिर तो इन्होंने मैं कॉल की कि मैं बड़ी परेशान हाँ मैं हूँ की करा मेरे को कुछ भी नहीं रह गया तो मैं उन्होंने फिर परमेश्वर के बारे दसिया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है तो तू एक बार मेरे परमेश्वर को स्वीकार कर
तो उन इन्होंने मे जद इन्होंने लिंक शेयर किया इस मिनिस्ट्री का तो इन्होंने वो मीटिंग सुननिया शुरू कीतियाँ। उस दे दौरान इन्हों शांति मिली, इन्हों का विश्वास मजबूत होया। फिर मैं पापा द्वारा इन्हों लिया प्रार्थना भी करवाई फोन दिते, उन्होंने पापा ने इन्हों बोलिया कि तुसी एक बार इस भवन दे विच जरूर आओ। तो जद 8 तरीक नूं इस जगह पर आए तो दूसरा आत्मा सामने आई। तो हुण पापा दे द्वारा जदों इन्हां दे उत्ते लिया प्रार्थना हुई, हुणे बिल्कुल फ्री ने उस प्रॉब्लम तो। सारे जैन सिद्धि।